गाइस आजकल काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि उनका जो पुराना फ़ोन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है। तो आज मैं आप लोगों को उसी बारे में कुछ बातें बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपने फ़ोन की स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। और अगर आपको इस टॉपिक पर फुल वीडियो देखनी है तो मैं भी वो बहुत ही जल्द बनाने वाला हूँ। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वाली वीडियो अपलोड करें तो आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाए, मतलब आपको 100% नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है अपडेट। आपको अपने फ़ोन में जितनी भी चीज़ें वो सारी चीज़ें अपडेट करके रखनी है। और एक्चुअली होता क्या है कि आपके फ़ोन मतलब जितने भी ऐप्स होते हैं आपके फ़ोन में अगर वो पुराने हो जाते हैं तो वो आपके फ़ोन के साथ मैच होकर रन करने में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से आपको अपने फ़ोन में जितने भी ऐप्स हैं वो सारी चीज़ें अपडेट करके रखनी। और दूसरी चीज़ है आपको अपना फ़ोन भी अपडेट करके रखना है। लेकिन अपना फ़ोन अपडेट करने से पहले आपको थोड़ी रिसर्च कर लेनी कि उसके अंदर कोई बग वगैरह तो नहीं है, और स्पीड के बारे में उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स में लिखा होता है। तो आप उसके पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए और उसके बाद ही अपना फ़ोन अपडेट करिए। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं अपनी ट्रेन का। अब जैसे मान लीजिए आप ट्रेन बने हैं हमारी रेलवे ट्रैफिक चलने के लिए, लेकिन अगर हम उसको रोड पे दौड़ाएं तो नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही अगर आपका फ़ोन बना है एंड्रॉयड 8 पर चलने के लिए और अगर हम उसमें एंड्रॉयड 12 पर चलाएं तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप अपने अपडेट करते समय थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए और उसके बाद ही अपडेट करिए। वैसे अपडेट करना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ऐप्स और अपना फ़ोन भी, लेकिन थोड़ी रिसर्च करने के बाद। और यहाँ पर नेक्स्ट ऐप्स, फालतू के ऐप्स, मतलब हमारे फ़ोन में जितने भी ऐप्स होते हैं जितने भी फालतू के ऐप्स होते हैं वो हम लोगों को अपने फ़ोन में नहीं रखने। मतलब जिसे हम लोग डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं आप अपने फ़ोन में केवल वही रखिए। और जो हम लोगों के मतलब ऐसे ऐप्स होते हैं जिसे हम लोग हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार यूज़ करते हैं तो उनको आप डिलीट कर दीजिए, और जब आपको ज़रूरत पड़े तो फिर बाद में आप उसे वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी वजह, और पहली बात तो 4G का ज़माना है यार, 100-200 MB तो सबका आजकल नेट बर्बाद हो रहा है। तो इसी वजह से आप छोटे मोटे जो मतलब फालतू के ऐप्स हैं उनको डिलीट कर दीजिए, जब ज़रूरत पड़े तब आप डाउनलोड कर लीजिए, सिंपल। और इन चीज़ों से आपको अपनी स्पीड में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिखेगा। और इस टॉपिक में मैं पूरी फुल डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा, ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप अपने ओल्ड फ़ोन को भी बहुत ही तगड़ा मतलब बहुत ही अच्छी स्पीड पर ले आ सकते हो। सुपर फास्ट तरीके से आपका फ़ोन भागने लगेगा। और अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं मतलब वाली वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो आपको 100% नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।